बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी फाइन। क्लास सिक्स, दिस इज़ आवर एट्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर वन। इन दिस लेक्चर वी विल रीड टॉपिक यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट आई यूनिसेलुलर, यूनि मीन वन, सेलुलर सेल एंड, और मल्टी मीन मैनी, सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म जानवर। ठीक है, तो बेटा क्या है कि यूनिसेलुलर एक सेल रखने वाले जानवर, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल रखने वाले जानवर होते हैं। अब हमने इनके दरमियान डिफरेंस बताना है कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या है, यानी कि इनकी डिफाइंस पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर कौन से हैं और मल्टी सेलुलर कौन से हैं, और उसके साथ साथ हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से मल्टी सेलुलर कौन से हैं, यूनिसेलुलर कौन से हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा पेज नंबर 9 ओपन कर लें। अब क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, एंड सम आर मेड ऑफ, और कुछ बने होते हैं मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स के। वो कह रहा है कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो कि सिर्फ एक ही सेल, एक ही खुलिए के बने होते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, एग्जांपल्स में कौन से हैं, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमेबा, पैरामेशियम, ETC। ठीक है, अब क्या है, इसकी एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमेबा, पैरामेशियम, ओके, आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, विच वी सी अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पौधे और जानवर जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई, शनाख्त करें, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यानी कि एक सेल वाले, एक खुलिए वाले और बहुत सारे खुलियों वाले ऑर्गेनिजम्स की पहचान करें। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि जो क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया, अमेबा, पैरामेशियम, ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे ये क्लेमाइडोमोनास है, तो बेटा ये क्या है, यूनिसेलुलर है। यहाँ पे उन्होंने अमेबा का बताया था, ये क्या था, यूनिसेलुलर था, तो ये भी क्या होगा, यूनिसेलुलर है। उसके बाद बॉय, यानी कि ये जानवरों में आता है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसके बाद बॉय मल्टी सेलुलर, उसके बाद बेटा क्या है, बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई क्या है, एनिमल्स में आती है, तो ये भी मल्टी सेलुलर है। उसके बाद क्या है, पौधे हैं, तो पौधा भी बेटा क्या है, मल्टी सेलुलर है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, यानी कि एक सेल से बने होते हैं, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमेबा, पैरामेशियम है। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या है, पौधे और जानवरों के सेल, और उनको हमने आइडेंटिफाई भी किया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, यानी कि खुलिए क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब सेल्स किस तरह से टिश्यू बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर कौन से थे, जो मैनी सेल्स वाले थे, बहुत ज़्यादा खुलियों वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल्स वर्क इन ग्रुप्स, ठीक है, खुलिए क्या करते हैं, ग्रो में काम करते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, खुलियों का ग्रो, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, एक ही काम करते हुए, इस कॉल्ड टिश्यू, यानी कि टिश्यू कहलाता है। यानी कि ऐसा ग्रो, ऐसा खुलियों का ग्रो जो कि एक ही तरह का काम करता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक ही तरह का काम करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू। अब क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज, पौधे और जानवरों हैव डिफरेंट टिश्यूज़, के बहुत सारे मुख्तलिफ टिश्यूज़ होती हैं इन देयर बॉडीज़, उनकी
जिस्मों में, उनके बॉडी में, ठीक है। वो कहता है कि पौधों और जानवरों के जिस्मों में बहुत सारे मुख्तलिफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अब उन्होंने कहा है कि सम प्लांट टिश्यूज़ हैं, कुछ पौधों के टिश्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द सम प्लांट टिश्यूज़, ये उन्होंने इस प्लांट टिश्यू एक दिखाया हुआ है, उसके अंदर क्या है, जाइलम टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, फ्लोइंग टिश्यू है। अब बेटा ये जो जाइलम टिश्यू होता है ये क्या करता है, पौधे में जो पानी को ले जाने का अमल होता है, पानी को कंडक्ट करने का अमल होता है, वो जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है। और इसके बाद जो फ्लोइंग टिश्यू होता है ये क्या करता है बेटा, ये फूड को कंडक्ट करता है, यानी कि खुराक को मूव करता है। और पौधों की खुराक क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और उसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ये बेटा क्या करते हैं, रूट्स को कवर करते हैं, रूट्स, स्टेम और लीव्स को कवर करते हैं। जाइलम क्या करते हैं, ये पानी को लेके जाते हैं पौधे के तमाम पार्ट्स में। फ्लोइंग टिश्यू ये क्या करते हैं, खुराक को पौधे के तमाम पार्ट्स में लेके जाते हैं। और एपिडर्मल टिश्यू क्या करते हैं, ये रूट्स, स्टेम और लीव्स, यानी कि जड़ों, तनों और पत्तों को कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी रीडिंग भी कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द सम प्लांट टिश्यूज, दैट इज ऑल, ये क्या है, पौधे के टिश्यूज हैं। सबसे पहले क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है। एपिडर्मल टिश्यू क्या करता है बेटा, एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, मैंने आपको पहले बता दिया है। ये क्या करता है, पौधे के जो जड़ें होती हैं, स्टेम, तना एंड लीव्स, और जो उसके पत्ते होते हैं उनको ढांपता है, ठीक है, उनको नुकसान से बचाता है। उसके बाद क्या है, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, साल्ट को डिजॉल्व करता है, यानी कि हल शुदा जो साल्ट होते हैं उनको, और उसके साथ पानी के अंदर जो डिजॉल्व साल्ट होती हैं, और पानी को ये क्या करता है, रूट्स से लेकर लीव्स की तरफ लेके जाता है। उसके बाद क्या है बेटा, फ्लोइंग टिश्यू है। फ्लोइंग टिश्यू का भी मैंने आपको बताया था कि जो खुराक पौधे अपने पत्तों के अंदर तैयार करते हैं, ये उसको पौधे के तमाम पार्ट्स में लेके जाता है, ठीक है। फ्लोइंग टिश्यू कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये जो खुराक तैयार की होती है पौधे ने अपने पत्तों के अंदर, उसको लेके जाता है पौधे के दूसरे हिस्सों में। उसके बाद क्या है बेटा, मेसोफिल टिश्यूज़ हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ क्या करते हैं, प्रेजेंट इन लीव्स में फूड फॉर द प्लांट, ये पौधे के पत्तों में मौजूद होते हैं और ये उनके पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, ठीक है। मेसोफिल टिश्यूज़ प्रेजेंट इन लीव्स, कहाँ पे मौजूद होते हैं, लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, मेक फूड फॉर द प्लांट, और ये पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये सम एनिमल टिश्यूज़ हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंस पढ़ा, और साथ में हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़े, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।